वेलकम टू एजुकेशन दर्शन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी आईईएस एग्ज़ाम 2020 के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी आईईएस 2020, आईईएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 25 तारीख को रिलीज़ हो चुकी है, 25 सितंबर को रिलीज़ हो चुकी है। और इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो 15 अक्टूबर शाम 6 बजे तक फिल किए जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक फिल नहीं किया है तो उन लोगों के लिए नोटिफिकेशन है, वो लोग जितने जल्दी हो सके अपना एप्लीकेशन फिल कर लें। और इसका जो एग्ज़ामिनेशन होगा प्रीलिम्स का, वो होगा 5 जनवरी 2020 को, जो कि एग्ज़ाम एक ही दिन होता है, ओनली वन डे का एग्ज़ाम होता है। तो आइए हम लोग इसके आगे जानते हैं कि इसके कितने सारे स्टेजेस होते हैं एग्ज़ामिनेशन के। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसमें जो स्टेज वन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका प्रीलिम्स होता है 500 मार्क्स का। जो स्टेज टू होता है उसमें मेंस का जो एग्ज़ाम है वो होता है 600 मार्क्स का। और स्टेज थ्री जो होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जो आपका इंटरव्यू वगैरह जो होता है, वो होता है आपका 200 मार्क्स का। तो इस तरीके से टोटल जो हो जाता है वो होता है 1300 मार्क्स। टोटल 1300 मार्क्स का जो आपका ये पूरा एग्जामिनेशन शेड्यूल होता है। अब हम लोग आगे जानते हैं कि प्रीलिम्स में और मेंस में कितने कितने मार्क्स का क्या क्या सब्जेक्ट कैसे पूछा जाता है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है उसका आगे। तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पेपर वन जो है इसका, जिसका नाम जो है यहाँ पे जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पेपर, ये आपको 2 घंटे का पेपर होता है जो आपको 200 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आगे जो पेपर टू है जो है आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर, जो आपके 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए आपको 300 मार्क्स उसमें होते हैं। तो इस तरीके से टोटल आपका जो प्रीलिम्स है उसमें पेपर वन और पेपर टू को कंबाइन करके जो ग्रैंड टोटल होता है वो होता है 5 घंटे का एग्जामिनेशन, जो आपको टोटल 500 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आगे जो इसका मेंस का पेपर होता है, मेंस का जो पेपर है वो भी कुछ यूं ही होता है। इसमें जो आपका होता है पेपर वन, वो होता है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर, जो कि 3 आवर्स 3 घंटे का होता है। उसके लिए आपको 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे जो आपका पेपर टू है वो भी आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर टू है। ये पहला वाला स्पेसिफिक पेपर वन था, ये दूसरा वाला स्पेसिफिक पेपर टू है। और इसके लिए भी आपको सेम 3 आवर्स दिए जाते हैं, इसमें भी आपको 300 मार्क्स का क्वेश्चन किया जाता है। तो इस तरीके से मेंस में भी आपके टोटल 600 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये तो रही बात प्री और मेंस की। तो आप लोग को ये नोटिफिकेशन मिल चुका है, तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके अपना एप्लीकेशन फिल कर ले फ्रेंड्स, तो और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो जनवरी में ही है, क्योंकि ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। अक्टूबर मंथ आज 2 अक्टूबर हो ही चुका है, तो इस तरीके से आपके पास नवंबर दिसंबर का ही बस समय बचता है, यानी कि आपके पास बस 2 ही महीने बचे हुए हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और उन्हें भी इस नोटिफिकेशन के बारे में बताएं, जो आपके स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर चुके हैं, ताकि वो लोग भी ये एप्लीकेशन फिल कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।